कैथल देश में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैथल डीसी को तलब किया। कैथल में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पराली जलाने पर 13 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। कैथल में लगातार पराली विशेष बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर आज कैथल के एसपी राजेश काले के साथ बातचीत करेंगे। कितने किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है सर, क्या कुछ मामला, कितने एफआईआर की गई है? देखिए, एफआईआर टोटल हमने 18 एफआईआर रजिस्टर की हैं, जो कि एफआईआर रजिस्टर करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा तो यही है कि किसान जो इस बात को समझें कि पराली ना जलाएं। स्टबल बर्निंग जो है एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें पोल्यूशन जो है सबको अफेक्ट करता है। तो जो किसान या जो भी अवशेष जलाते हैं, तो उसमें हम ये बना के चलें कि वो ना जलाएँ। और जो सरकारी आदेशों की उल्लंघना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आदेश दिए गए हैं, उनकी उल्लंघना होती है, तो फिर कानून को अपना कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कितने किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई अभी तक? अभी पिछले 2-3 दिन में हमने 18 एफआईआर रजिस्टर की हैं, जिसमें सब में अरेस्ट किया गया है उनको, किसानों को, और जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो गिरफ्तारी कितनी है? गिरफ्तारी सभी जो हमने एफआईआर रजिस्टर किया उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये कैथल के एसपी राजेश काले, उन्होंने कहा कि किसानों से भी अपील की गई है और ये भी अपील की गई है किसान जो पराली विशेषण न जलाएं, ताकि जो प्रदूषण वायु प्रदूषण उससे बचा जा सके। कैमरा मैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा।